हेलो दोस्तों, आज आलू गोभी और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। ये गोभी काट लिया, आलू काट लिया, टमाटर वमाटर सब काट लिए हैं। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो फिर मिर्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भूंजें थोड़ा सा भूंजने के बाद फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज डाल देंगे, अब इसको मिलाएंगे। टमाटर टमाटर है, अब इसमें आलू डाल देंगे और गोभी डाल देंगे। दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अभी नहीं डालना है, नमक थोड़ी देर बाद डालेंगे। कितने लोग सब्जी बनाते समय टमाटर डालते हैं, नमक डालते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। इससे जो सब्जी भून जाएगी अच्छे से, इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 2 मिनट के बाद इसको वापस और चलाएंगे। मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनी है, जो आप इस तरह से आप बना के देखें। इसके बाद हम सोयाबीन ऐड करेंगे। अब सोयाबीन को पहले मैं भिगो लिया था, उसके बाद तेल में फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इसके बाद हम नमक अब ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और मसाला दोस्तों हम भूनते नहीं हैं। एक गिलास में मसाले को, सभी मसाले को मिक्स करेंगे पानी में, उसके बाद ऊपर से डालेंगे। तो मेरी पहली वीडियो है, और चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और इस तरह से किसी तरह बनाइए होगा।
फिर कमेंट करके बताइए कैसी सब्ज़ी बनी है। हम मसाला बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी, और ये मिर्च पाउडर जो कि राजस्थान में ज़्यादा ही खाया जाता है हमारे यहाँ। और इसके बाद ये अपना होममेड मसाला है जिसमें सब कुछ है, अलग से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका भी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगा। अब इसको मिक्स कर देंगे, अब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी में मसाला घुल जाए अच्छी तरह से। दोस्तों इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, कॉमेडी भी आएगी, ट्रेवल की भी आएंगी। इसके बाद ये 2 मिनट के बाद इस मसाले को डाल देते हैं। डालने के बाद 2 मिनट इस मसाले को पकाएंगे तेज आंच करके, ताकि इस सब्ज़ी में पूरा मिल जाए मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तेज आंच पे ही भूनेंगे ताकि पूरा मिक्स हो जाए मसाला। इस सब्जी में एक्स्ट्रा दूसरा कोई भी मसाला नहीं पड़ा है, सब मसाले घर पे ही बनाए गए हैं खड़े मसालों से पीस पीस के। अब ये सब्जी मसाला पक गया है तो इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ी देर में। फिफ्टी परसेंट सब्जी ऐसे भूजते भूजते ही बन जाती है, और 50% पानी डालने के बाद बन जाएगी। पानी डाल देते हैं कम से कम 2 गिलास, ताकि सोयाबीन है तो पानी सोखेगा भी, और ये पानी इतना दिख रहा है लेकिन अभी लास्ट में पूरा पानी सूख जाएगा क्योंकि सोयाबीन है इसमें, और थोड़ा जलेगा भी पानी। अब इसके बाद अब ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर इसको ढक्कन हटाएंगे और सब्जी। दोस्तों इसका कलर ऐसे दिख रहा है कैमरे में, बाकी शानदार कलर आया है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं आप और टेस्ट